एक बात कहूँ, थोड़ी टिपिकल सी है। Sure. तुम्हारी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। डूब गए तो मर जाओगे। तो वो कहते हैं ना, प्यार में मर कर ही जिया जाता है। कितना प्यार करते हो मुझसे? प्यार बेशुमार, जितना तुम्हें अंदाजा भी नहीं, उससे भी ज्यादा। अपना बताओ, कितना डूबी हो मेरे प्यार में? इतना डूबी हूँ कि शायद अब इस प्यार से निकलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तुम्हारा ख्याल मेरे साथ ही जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। कितना खुशकिस्मत हूँ। तो इरादा क्या है? इरादा तो तुम्हें अपना बनाने का है हमेशा के लिए। और तुम्हारे घर वालों का क्या ख्याल है मेरे बारे में? स्पेशली तुम्हारे भाई ने क्या रिमार्क्स दिए? भाई तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हो गए। He wants to know everything about you. कहते हैं कि I want to investigate about you. Investigate मतलब? Just to know you. कोई उनको शक है मेरे पे? जो कुछ मैंने उनको बताया, क्या कोई यकीन नहीं आया? It's not like that. ऐसा तो नहीं कहा मैंने। कि तुम्हारे भाई के अंदाज से तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैं कोई घिरा पड़ा फ्रॉडिया हूँ जिसकी छान पटक करके रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे। शिजी तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? Yeah, I mean, आजकल तो हर लड़की वाले जानना चाहते हैं कि लड़का क्या करता है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। It's not a big deal. मतलब शायद अरेंज मैरिजेस में ऐसा होता हो, लेकिन जहाँ पे लड़का और लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वहाँ तो कोई कुछ नहीं पूछता। तो तुम ये बताओ, मैंने तुमसे कुछ पूछा? तुम्हारे बारे में कुछ जानने की कोशिश की? जितना तुमने बताया बस उस पर मनोमन यकीन कर लिया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सही है, तुम्हारे भाई को कोई शक होगा मुझ पर? उसको लगता होगा कि पता नहीं मैं क्या चीज हूं, और करने दो उसको, सोके अपनी तसल्ली कर ले वो। I don't know, तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो? नेगेटिव? Yeah. मैं Okay, उसको इट्स फाइन, उसको कर लेने दो अपनी तसल्ली। छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जस्ट लीव इट। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। एक मिनट रुको तो। इतनी मेहनत से, इतने प्यार से मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया, बगैर खाए चली जाओगी? I love you. क्या बात कर रही, तुम्हारी फेवरेट चीजें बनाई मैंने। दो घंटे, एग्जैक्ट टू आवर्स, तीन मरतबा यूट्यूब पे वीडियो देखी कि पास्ता कैसे बनता है, और फिर बनाया, और जिंदगी में पहली बार बनाया, ओनली फॉर यू। और सिर्फ ये नहीं, वो भी। तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें मैं टेस्ट ना कराऊं, खाना ना खिलाऊं? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। हां कम ऑन, खोलो, बताओ कैसे? इट्स वेरी गुड, इट्स अमेजिंग।
ओके, ये भी ट्राई करेंगे हम। हाँ, ये अपनी मर्जी से बनाई है। इसको भी बहुत टाइम लगा। शादी के बाद एक अच्छा शेफ बन सकता हूँ? तुम जो भी चाहो वो बन सकते हो। यू इट्स रियली गुड। ये लो, हैव इट।